हाई एवरीबडी हाउ आर यू होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल टूडे विल डू क्लास टेंथ मैथेमेटिक्स चैप्टर पॉलिनमेल्स इंट्रोडक्शन वन ओके वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ आपसे हर वीडियो के एंड में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन का ट्रिक होगा जो कि अपने आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बहुत ईजियर बना देगा तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप ये मैजिकल ट्रिक्स को समझ पाए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल को अगर हम ब्रेक करते हैं पॉली प्लस नोमियल पॉली मीन्स मैनी नोमियल मीन्स पार्ट्स और टर्म्स तो इसको अगर कंबाइन करते हैं तो डेफिनेशन क्या बन जाता है पॉलिनोमियल इज द कम्बिनेशन ऑफ मैनी पार्ट्स और टर्म्स पॉलिनोमियल बहुत सारे पार्ट्स और टर्म्स का कॉम्बिनेशन है अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या क्या हो सकती है और पॉलिनोमियल की और क्या क्या कंडीशंस है राइट right? पॉलिनोमियल की कंडीशंस होते हैं उसमें टर्म्स होनी चाहिए वेरिएबल होना चाहिए ऑपरेशन होनी चाहिए ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस इस तरह के ऑपरेशन होने चाहिए और उसकी डिग्री जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए इंक्लूडिंग जीरो इंक्लूडिंग जीरो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं वो एक तरह से होल नंबर्स होते हैं सारे तो डेफिनेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल इज़ एन इक्वेशन इन विच डिग्री इज़ अ होल नंबर मीन्स जीरो से स्टार्ट होते हैं और आगे तक जाता है ठीक है अब आता है मैंने कहा था कि पॉलिनोमियल में टर्म्स होना बहुत ज़रूरी है तो ये टर्म्स क्या है टर्म्स होते हैं टर्म्स दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं फर्स्ट पार्ट उसका होता है एनी रियल नंबर कोई भी रियल नंबर और सेकेंड पार्ट में वेरिएबल होता है वेरिएबल और मोर देन वन वेरिएबल ऑल्सो ठीक है तो रियल नंबर और वेरिएबल को मिला के एक टर्म बनता है और ये जो प्लस माइनस का साइन है ये ऑपरेशन है राइट नाउ डिग्री डेफिनेशन में ये भी कहा गया है कि डिग्री इज अ होल नंबर देन व्हाट इज डिग्री डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल डिग्री पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होता है इसमें मेंशन नहीं है एक चीज़ और मैं बता देती हूँ फर्स्ट आता है हमारा मोनोमियल मोनोमियल क्या होता है जिस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स वन हो एक टर्म होता है तो वो मोनोमियल दो टर्म होता है तो वो बाइनोमियल बाईमस टू होता है तीन टर्म होता है तो वो ट्राइनोमियल और अगर चार टर्म होता है तो वो टेट्रानोमियल राइट टेट्रानोमियल फोर टर्म्स को और नेक्स्ट आगे हम उसको इंक्रीज करते जाएंगे तो वो पोलिनोमियल्स मान लेते हैं बट पॉली पॉलीम्स मैनी दैट मीन्स मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स राइट नेक्स्ट इज अवर लीनियर पॉलिनोमल लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है पोलिनोमियल विथ डिग्री वन जिस पॉलिनोमियल की डिग्री वन होता है वो लीनियर पोलिनोम यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है टू एक्स माइनस थ्री इसमें डिग्री हम देख सकते हैं कुछ नहीं मतलब वन उसको कंसिडर करा जाता है तो ये लीनियर पोलिनोमियल है सेकेंड क्वाड्रटिक पॉलिनोमियल जिसमें जो होता है पॉलिनोमियल विथ डिग्री टू जिस पॉलिनोमियल की डिग्री टू होती है वो होता है क्वाड्रटिक पॉलिनोमियल एग्जाम्पल इज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इसमें डिग्री टू दिख रहा है तो ये हुआ क्वाड्रटिक पॉलिनोमियल ठीक है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री थ्री होता है तो एग्जाम्पल हुआ फाइव एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन थ्री एक्स प्लस वन बाई थ्री इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं बट डिग्री जो है थ्री होनी चाहिए दैट इज नॉन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल ठीक है और हमें ये पता है जो नंबर्स होते हैं उसको हम कॉन्स्टेंट मानते हैं मानते हैं फाइव थ्री ए बी सी ये सबको कॉन्स्टेंट मानते हैं और इसे कॉन्स्टेंट टर्म कहा जाता है क्यों क्योंकि इसके साथ अगर हम इस मैंने कहा था पॉलिनोमियल में <coughs> डिग्री होनी चाहिए वेरिएबल होना चाहिए तो अगर फाइव थ्री है फाइव को मैं ऐसे लिख सकती हूँ फाइव एक्स टू दीरो एक्स टू दीरो की वैल्यू वन होती है तो वन इंटू फाइव ये फाइव हो जाता है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियर वेरिएबल का मतलब क्या होता है जो वेरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू तो टाइम टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाता है बट एक्स टू द जीरो का भी चेंज नहीं होता किसी का भी पावर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है वन तो इसलिए ये चेंज नहीं होता सो दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट टर्म्स राइट तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम फाइव एक्स टू दिपर जीरो इक्वल टू फाइव वन फाइव की जगह अगर a होता a इंटू एक्स टू दिपर जीरो तो a इंटू वन ए हो जाएगा वो भी कांस्टेंट है ठीक है क्योंकि टाइम के साथ ये वेरी नहीं करता नेक्स्ट आता है कोफिशन टर्म्स कोफिशन क्या होता है <coughs> जैसे ये है किसी वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है विद द साइन प्लस माइनस साइन के साथ जो नंबर होता है वो होते हैं कोफिशियंट पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं वो होते हैं कोफिशियंट फॉर एग्जाम्पल सिक्स एक्स सिक्स एक्स में कोफिशंट क्या होगा एक्स का सिक्स माइनस नाइन वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर का कोफिशियंट हुआ माइनस नाइन ठीक है और जो पॉलिनोमियल होता है हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसकी डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ठीक है

राइट right? अब इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे एक्स के कोई वैल्यू लेंगे वाई फाइंड करेंगे ऐसा सोल्यूशन फाइंड करके प्लॉट करेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है ठीक है और ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सेस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को कहा जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ठीक इन लीनियर पॉलिनोमियल द लाइन शुड ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन एंड द स्ट्रेट लाइन इंटरसेट द एक्स एक्सेस एट वन पॉइंट लेट इट बी पी यहाँ हमने इसको पी मान लिया सो दिस पॉइंट इज द जीरो ऑफ़ द पॉलिनोमियल ठीक है इसी पॉइंट को जीरो कहा जाता है तो हम इसको वेरीफाई करना हो तो कैसे करेंगे ये जो पॉइंट आएगा यहाँ एक्स एक्सेस में कोई पॉइंट आएगा वन टू थ्री फॉर एनी पॉइंट जो पॉइंट आएगा उसको अगर हम क्वाटरटिक लीनियर पॉलिनोमियल में पुट करेंगे उसकी वैल्यू को एक्स और वाई की वैल्यू को तो ये पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाएगा इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल राइट नेक्स्ट हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है स्ट्रेट लाइन बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये एक कर्व आएगा ठीक है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसमें हो सकता है कोई भी जीरो ना हो हो सकता है वन हो एक जीरो हो सकता है या तो टू जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम टू जीरोस राइट इन क्वाड्रेटिक पॉलिनम द ग्राफ कुड शुड बी अ कर्व अच्छा ये कर्व कैसा होगा अगर ए ए की वैल्यू जीरो से बड़ा है ग्रेटर देन जीरो ये अपवर्ड ओपन कर्व होगा और ए की वैल्यू अगर नेगेटिव में दैट मीन्स लेस देन जीरो है ये कर्व ऐसे डाउनवर्ड कर्व होगा राइट right? और ये एक्सक्सेस को टू पॉइंट पे या एक पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट में हो सकता है इंटरसेक्ट ना करें और इस कर्व को कहा जाता है पैराबोलस राइट द कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स पहले हम कंसिडर करते हैं टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है या हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो से इसमें क्या हो जाएगा टू अगर ग्राफ ये जो कर्व है वो ऐसे जाता है ऑरिजिन से मतलब हमें दिख रहा है कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ़ जीरोस होंगे वन तो अगर क्वेश्चन में आता है नंबर ऑफ़ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ़ जीरोस वन है उसको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए तो हम ऐसे कर सकते हैं ठीक है ठीके? और अगर ये एक्सिस को टच ही नहीं करता तो इसको क्या कहा जाएगा द ग्राफ ऑन द कर्व इज़ लाइक दिस द नंबर ऑफ़ जीरोस क्या हो जाएंगे नील क्योंकि एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है तो अगर क्वेश्चन अपोजिट होके आता है नंबर ऑफ जीरोस नील इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्रॉ द ग्राफ तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ओके okay? नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इसमें वन टू और थ्री जीरोस हो सकते हैं right? राइट पहले हम देखते हैं थ्री जीरोस कैसे होते हैं और थ्री जीरोस के लिए ग्राफ का कंडीशन क्या होता है अगर कर्व इस तरह से बनता है तो इसमें एक्सेस को तीन पॉइंट पे इंटरसेट करता है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस थ्री होता है क्यूबिक इक्वेशन में थ्री जीरोस के लिए कर्व कैसे होता है इस तरह से होता है ठीक है और वन तीन पॉइंट पे इंटरसेट करता है मतलब तीन जीरो से अगर ग्राफ इस तरह से बनता है कर्व ऐसे आता है तो एक्सएक्स को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए वन अगर ग्राफ इस तरह से आते यहां इंटरसेक्ट किया फिर नीचे आया फिर यहाँ इंटरसेट किया इस तरह से बनता है तो इसे टू पॉइंट पे इंटरसेट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो नंबर ऑफ जीरोस हो जीरो टू जीरोस इन क्यूबिक इक्वेशन देर आर टू जीरोस ड्रॉ द ग्राफ तो हम इस तरह से बना सकते हैं ठीक है ठीके? होप ये क्लियर हो गया होगा आपको नाउ इ मेजिकल ट्रिक फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन राइट तो होप ये सब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जो ट्रिक है ये आप लोग एंजॉय करेंगे अभी देखते हैं इसमें क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर विथ फाइव किसी भी नंबर को फाइव से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे इसमें दो कंडीशन है अगर नंबर इवेन नंबर है सपोज फॉर एग्जाम्पल टू फोर सिक्स फोर है इसे हमें फाइव से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे सबसे पहले हम इस नंबर को टू से डिवाइड कर देंगे चाहे कोई भी विन नंबर हो उसको टू से डिवाइड कर देंगे जो आएगा उसमें एक जीरो लगा देंगे तो हमारा मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा इसमें आ गया वन टू थ्री टू उसमें एक जीरो लगा दिया तो टू सिक्स टू फोर सिक्स फोर इन टू फाइव इक्वल टू ठीक है और अगर ऑड नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल थ्री सेवन सेवन फाइव जो भी ऑड नंबर दिया होगा उसमें से पहले वन माइनस कर देंगे वन माइनस करके ये एविन हो गया फिर इसको टू से डिवाइड करके जो आएगा उसमें फाइव ऐड करेंगे फ़ाइव ऐड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा याद रखना है और नंबर को वन से माइनस करके टू से डिवाइड करेंगे और नंबर में से वन माइनस करके उसको टू से डिवाइड करेंगे जो आएगा उसमें फ़ाइव ऐड कर देंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन फाइंड हो जाएगा इवन नंबर में क्या करेंगे जो गिविन नंबर है उसमें टू से डिवाइड करके जितना आएगा उसमें जीरो लगा देंगे तो हमें उसका फाइव के साथ प्रोडक्ट निकल जाएगा राइट होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू एन्जॉय योर डे टेक केयर